हेलो भाई लोग, क्या हालचाल। मैं हूं शुभम, आप देख रहे हैं केएस टीवी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, अभी जियो ने, जैसे कि आपको पता ही है कि अलग अगर सिम कार्ड पर आप कॉल लगाते हो तो चार्जेस लगा दिए थे। बाकी सारी कंपनी इस चीज़ पर अभी तक चुप थे, लेकिन अब उन्होंने एकदम बड़ी छलांग मारी है। जियो से भी आगे बहुत सारे प्लान में चेंजेस हो चुके हैं। 2 या 3 तारीख को ही एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने प्लान में चेंजेस किए और जियो ने भी अब अपने प्लान उनके हिसाब से चेंज कर लिए है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स के बारे में, कौन सा सिम कार्ड आपको लेना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया है। किसी के यहाँ पर जियो का नेटवर्क अच्छा है, किसी के लिए मतलब जियो थोड़ा सस्ता ज़रूर है अगर आप कंपेयर करो बाकी कंपनीज के सबसे, लेकिन टेंशन मत लो यार। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में और आप चूज़ कर सकते हो आपके लिए कौन सा सिम कार्ड बेस्ट है, नेट चलाने के लिए हो या सिर्फ कॉल के लिए, OTP के लिए रिचार्ज मारना हो। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट क्यों करना है, सीधे शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 पैसे पर मिनट लगने के बाद से कैसे कैसे प्लान चेंजेस हो गए। तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये 4 मेन कंपनीज का हमने कंपैरिजन लिया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपको सिर्फ समझो OTP के लिए या ऐसा एक इम्पोर्टेंट नंबर रखना ही है, तो आप देखोगे तो 28 डेज़ वैलिडिटी वाले रिचार्जेस जियो में सबसे ज़्यादा महंगे हैं और 129 वाला तो अब भी आया है। बाकी FUP 1000 मिनट्स है उस पर भी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको सिर्फ OTP या ये वगैरह के लिए चाहिए और एयरटेल का रेंज अगर आपके यहाँ पर अच्छा है तो आप एयरटेल रख सकते हो या फिर वोडाफोन और आइडिया के साथ आप जा सकते हो। वोडाफोन में भी ये 35 वाला रिचार्ज पता नहीं अभी है या नहीं, बट 49 वाला अवेलेबल ज़रूर है। बात करेंगे अब इंटरनेट से रिलेटेड रिचार्जेस की, तो 28 डेज़ वैलिडिटी में अगर आप ध्यान से देखो तो लगभग सारे रिचार्जेस सेम हैं। एयरटेल 1 रुपया कम है बाकी सबसे और जियो बाकी सबसे 50 रुपये कम रख के बैठा है। 1.5 GB डेटा के लिए अगर आप देखो जियो में 199, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन में लगभग सेम प्राइसेस है। और सिमिलरली अगर आप देखो 84 डेज़ यानी कि लगभग 3 महीने के लिए, तो यहाँ पर भी जियो ने सेम कंपेरिजन्स रखे, 50 रुपये सस्ते रिचार्ज रखे हैं बाकी ऑपरेटर से। तो जियो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑफर है अगर आपको इंटरनेट की सेवाएं चाहिए, और बहुत सारे लोगों के पास जियो है भी ऑलरेडी दोस्तों, क्योंकि जियो ने जो बीच में ट्रेंड चालू किया था सस्ते रिचार्जेस का, उसके वजह से बहुत सारे लोग जियो का सिम एक यूज़ ज़रूर करते हैं, चाहे वो आईफोन यूज़र्स के ना हो, सिंगल सिम में भी जियो यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक मेंशन ज़रूर नहीं है, लेकिन जियो में 2 महीने का रिचार्ज भी अवेलेबल है अगर आपको चेक करना है तो। 444444 में आपको रिचार्ज मिलेगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑफ़र है आप सभी के लिए। तो ये मेन रिचार्जेस है कुछ इन ऑपरेटर्स की तरफ से आप सभी के लिए, जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा सिम लेना है। तो बस दोस्तों, यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को बतानी थी मुझे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताइए नए चेंजेस के बारे में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए KSTV आइकन पे क्लिक करके। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज से रिलेटेड वीडियोस हम आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे जरूर से, और मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे साथ KSTV। ओके।